तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था पानीपुरी का, ओके बराबर है। तो होता क्या है कि आप सपोज पानीपुरी का बिजनेस करते हो तो उसमें 90% प्रॉफिट, ओके उसमें कितना प्रॉफिट है, 90% प्रॉफिट, ओके। यानी कि कोई भी आप बिजनेस कर लो उसमें मिनिमम 20% से लेके मैक्सिमम 60% तक प्रॉफिट मिलता है, ओके। सो यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पे करना है, ओनली 9%, ओके। कितना पे करना है, ओनली 9%। तो आपके पास कितना बचेगा, आप 20% मिनिमम ले लो कि 20% मिनिमम प्रॉफिट आप ले लो, ओके। 20-9 कितना होता है, 11। तो 11% आपको मिलेगा, ओके। सो यहाँ पे आपको 11% मिल सकता है आपके। सो फर्स्ट पॉइंट क्या था अपना, टू एक्सेप्ट एंड कलेक्ट डिपॉजिट, ओके। तो बैंक क्या करेगा, पहला फंक्शन क्या है कि पैसा लेगा, ओके, पब्लिक से पैसा लेगा, उस पे उसको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेगा, बराबर है। और वही पैसा दूसरे लोगों को लोन देगा, तो डिफरेंस अमाउंट है, दैट इज द प्रॉफिट ऑफ द बैंक, ओके। तो लोगों से पैसा लेना, फिक्स डिपॉजिट करवाना, दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ बैंक, ओके। दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ बैंक, ओके। सो ये हुआ फर्स्ट पॉइंट, ओके। तो उसमें दो तरह के होते हैं बैंक मेनली एक्सेप्टेड टाइप्स ऑफ डिपॉजिट। तो पहला है सेविंग अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट, और तीसरा रिकरिंग अकाउंट, एंड फोर्थ वन फिक्स डिपॉजिट, ओके। तो बैंक आपसे पैसा लेता है, अलग अलग फोर वेज है। पहला वे कौन सा है, दैट इज अ सेविंग अकाउंट, ओके। तो सेविंग अकाउंट्स में आपको मिनिमम 1,000 रखना है, ओके। 1,000 से कम होगा तो बैंक उस पर चार्ज करेगा, पेनल्टी पे करेगा, ओके बराबर। तो आपको 1,000 का आपका देखो अभी 1,000 मिनिमम कर दिया। अभी नेशनलाइज बैंक में है जैसे SBI, उसमें 5,000 मिनिमम कर दिया, ओके। तो सेविंग अकाउंट में मिनिमम आपको कितना बैलेंस रखना है, 1,000 रखना है, ओके। और जो आपका करंट अकाउंट होता है वो बिजनेस अकाउंट होता है, तो उसमें आपको 25,000 मिनिमम रखना है। 25,000 से आपका बैलेंस नीचे जाएगा तो बैंक उस पर चार्ज करेगा। क्यों चार्ज करेगा, क्योंकि वो पैसा और किसी को बैंक ने दे दिया है, ओके। तो उस पे आपका जो बैलेंस कम होगा 1,000 से, अदरवाइज 25,000 से कम होगा, तो बैलेंस जो बैंक है उस पे वो चार्ज करेगा, ओके। क्योंकि वो पैसा उसने और किसी को दे दिया है। तो होता क्या है कि बैंक ने आपके उसके पास सपोज 4 लाख अकाउंट है, ओके। तो 4 लाख अकाउंट इंटू 1,000, तो बैंक को पता है कि मेरे पास 40 लाख रुपया तो पड़ा ही है, ओके। बट होता क्या है कि किसी का जो बैलेंस है वो 1,000 से कम चला गया, ओके। तो बैंक को उतना पैसा बाहर से लाना पड़ेगा। तो जो बाहर इंटरेस्ट पे करता है बैंक, तो वो आपसे वो चार्ज वो वसूल करेगा, ओके। तो इसलिए आपको क्या करना है, मिनिमम 1,000 आपको बैलेंस रखना है, ओके। सो पहला था अपना सेविंग अकाउंट, दूसरा था अपना करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या होता है कि जो कंपनी होती है, ओनली दैट पर्सन आर एबल टू ओपन द करंट अकाउंट, ओके। प्राइवेट कंपनी वाले ही करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, नॉर्मल इंसान करंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकता, क्योंकि इसका रूल है कि जब भी आपको करंट अकाउंट ओपन करना हो तो उसमें आपको आपके पास कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस और सर्टिफिकेट, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ओके बराबर है। तो ये दो सर्टिफिकेट चाहिए आपको करंट अकाउंट ओपन करने में, बराबर। और वो सर्टिफिकेट किसको मिलते हैं, सिर्फ प्राइवेट कंपनी को ही मिलते हैं, ओके। यहाँ पे जो सैलरीज पर्सन हो, जो उस तो उसको वो पॉसिबल नहीं है कि करंट अकाउंट ओपन कर सके, ओके। तो सिर्फ कंपनी वाले ही करंट अकाउंट ओपन करते हैं, ओके। तो करंट अकाउंट में आपको मिनिमम कितना रखना है, 25,000, ओके। आप कोई भी बैंक ले लो, आपको 25,000 मिनिमम आपको बैलेंस मेंटेन करना होगा इन करंट अकाउंट। नेक्स्ट है रिकरिंग अकाउंट, ओके। तो रिकरिंग अकाउंट पहले हुआ करते थे पर अभी कम हो गए। सो होता क्या है रिकरिंग में कि आप मंथली 500, 1,000, 500, अदरवाइज 2,000, आपको जो भी आपको अकाउंट ओपन करना हो ओपन कर सकते हो। तो आपको हर महीने उतना पैसा आपको जमा करना है। आपने 3 साल के लिए आप रखा है रिकरिंग अकाउंट, तो 3 साल तक आपको वो पेमेंट करना है। आपने 5 साल का रखा है तो 5 साल तक आपको एवरी मंथ उतना पेमेंट जो है वो बैंक को देना है, दैट इज कॉल्ड रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ओके। उसके बाद जो है फिक्स टर्म अकाउंट, ओके। फिक्स टर्म का अकाउंट मतलब क्या है कि आपका आप जो FD है, आपने 5 साल के रखा है तो 5 साल तक आपका जो पैसा लॉक हो जाएगा, ओके बराबर। और उसके बाद आपको उसमें इंटरेस्ट मिलेगा, तो विद इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट आपको साथ में मिल जाएंगे आफ्टर 5 ईयर्स, ओके। आपने 8 ईयर्स, आपने 10 साल के लिए रखा है तो 10 साल के बाद आपको इंटरेस्ट के साथ पैसा मिल जाएगा, ओके। दैट इज कॉल्ड फिक्स टर्म अकाउंट, ओके। दैट इज कॉल्ड फिक्स टर्म अकाउंट। तो ये हुआ आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, टू लैंड मनी, ओके। तो
बैंक को पैसा मिला है, ओके, वही पैसा पब्लिक को वापस करेगी इन द फॉर्म ऑफ लोन, ओके, और उस पर चार्ज लगाएगी, जो लोन देता है उस पर बैंक क्या करेगी, इंटरेस्ट चार्ज करेगी, ओके. तो ये क्या हुआ आपका टू लैंड मनी, ओके. सेकंड फंक्शन है बैंक का कि वो जो है वो पैसा है वो बैंक है वो पब्लिक को एज ए लोन देता है, ओके. और पब्लिक को वो जो पैसा है विद इंटरेस्ट वापस करना है बैंक को, ओके. सो बाय एफ्टर डिपॉजिट थ्रू डिफरेंट अकाउंट्स डज द बैंक लैंड मनी टू द बोरोवर विच इज सॉरी विच इट हैज कलेक्टेड एज अ डिपॉजिट फ्रॉम डिफरेंट अकाउंट्स. बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड प्रोवाइड इंटरेस्ट टू द डिपॉजिट होल्डर. द बैंक लैंड मनी टू द नीडी पीपल एट ए हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट. डज इट पे टू डिपॉजिट होल्डर. द बैंक गेन प्रॉफिट फ्रॉम द डिफरेंस ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट. द बैंक लैंड मनी एज पर गिवन बिलो के. तो यहाँ पे जो है बैंक है वो जो लोन देता है पब्लिक को, ओके. तो पब्लिक से जो पैसा लिया है वही पैसा पब्लिक को एज ए लोन वो देता है, ओके. तो जो नीडी है जिसको पैसे की जरूरत है, ओके, वो बैंक से लोन लेगा और उस पे उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. सो दैट इज द प्रॉफिट ऑफ द बैंक, ओके. तो यहाँ पे जो डिफरेंस अमाउंट है जो बैंक ने लिया है पैसा लोगों से, ओके, और उस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो, और प्लस वो पैसा लेके जो नीडी पीपल है उनको पैसा दिया है और उनसे इंटरेस्ट लिया है, तो डिफरेंस अमाउंट है दैट इज द प्रॉफिट ऑफ द बैंक, ओके. जैसे 5% पे पब्लिक से लिया है और 9% को पब्लिक को दे रहा है, ओके, वो तो 4% क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ. तो ये जो डिफरेंस अमाउंट है, डिफरेंस रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दैट इज कॉल्ड द प्रॉफिट, ओके, बराबर. सो बैंक जो देगा लोगों को वो कौन से वे से देगा, थ्रू ए लोन. तो पहला एक लोन दे सकता है, दूसरा है बाय ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, ओके. तो सेकेंड टर्म क्या है उसका बेनिफिट, सॉरी नेक्स्ट वे कौन सा है पैसा देने का, ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, ओके. तो ओवरड्राफ्ट और कैश बाद में डिस्कस करेंगे, पहले बात करते हैं थ्रू ए लोन, ओके. तो क्या करेगा बैंक, आपसे जो पैसा लिया है वो ही पैसा पब्लिक को देगा, ओके. उसको क्या कहते हैं, लोन कहते हैं, ओके. तो वो लोन पे सामने वाला इंटरेस्ट पे करेगा बैंक को, ओके. जो लोन दिया है बैंक ने, ओके, तो सामने वाला जो प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस इंटरेस्ट बैंक को वो वापस करेगा ऑन टाइम, ओके. और उसको ऑन टाइम करना ही पड़ेगा, अदरवाइज बैंक उस पर केस कर देगा, ओके. क्योंकि जब बैंक आपको पैसा देता है तो सब आपसे यानी साइन ले लेता है, ओके. आप पैसा नहीं दोगे तो आप खुद प्रॉब्लम में आ सकते हो, क्योंकि बैंक ने पहले ही आपके हाथ पांव काट दिए, ओके. क्योंकि वो इस तरह से आपको साइन करवाएगा कि आप जो इच्छा रखोगे कि नहीं आपको पेमेंट नहीं करना है तो आप ऐसा नहीं करोगे, ओके. और ऐसा करोगे तो खुद आप मुश्किल में आ जाओगे, ओके. क्योंकि बैंक को सारे रूल्स एंड रेगुलेशन पता है कि कौन से रूल्स होते हैं पैसा लेने में, ओके. लोन जब लेता है तो कौन से रूल्स होने चाहिए वो सब बैंक को अच्छी तरह पता होता है, तो सब जगह वो अच्छी तरह आपसे वो साइन ले लेता है. तो आप पैसा नहीं दोगे तो आप खुद प्रॉब्लम में आ सकते हो. यहाँ पे जो नीरव मोदी है वो सब पैसा लेके गए हैं, वो बचने वाले नहीं है, उनसे भी पैसा तो लिया वसूल करेंगी बैंक, ओके. तो बैंक इतना पावरफुल उसके पास इंस्ट्रूमेंट होता है, पर वो क्या होता है कि बैंक वाला इज नॉट लुकाज, ओके. बैंक वाला इज नॉट लुकाज, ओके. तो वो लुका गिर गएगा तो 24 आवर्स में पैसा उसको मिल जाएगा, पर वहां पे सारे क्या है, एम्प्लॉय है, दे आर एजुकेटेड, दे आर एम्प्लॉय, ओके. तो वहां पे लुका सिस्टम चलता नहीं, ओके. ऐसे आपने किसी प्राइवेट से, प्राइवेट लुखे से जो आपने पैसा लिया है और उसको मना करके देखो आप कि जो करना है कर ले, पैसा नहीं मिलेगा, ओके. एक लाइन इतना बोल के रखना, देखो क्या होता है, ओके. विद इन 24 आवर्स में आपको पैसा पे करना पड़ेगा, ओके, बिकॉज दे आर लुखास, ओके. पर बैंक वाला इज नॉट लुखा, ओके. सो उनको जो उनका जो प्रोसीजर होता है वो प्रोसीजर से वो काम करते हैं, बराबर. तो यहाँ पे मोदी जो है वो बचने वाला नहीं है और विजय माल्या भी बचने वाला नहीं है, उनको पैसा वापस करना ही होगा, ओके. और सारे के सारे रास्ते कौन से वो बैंक को अच्छी तरह पता है कि कौन से रास्ते से पैसा आएगा. पर होता क्या है कि खुद अंदर जब बैंक वाले इन्वॉल्व होते हैं ना, हायर पोस्ट वाले, ओके, तब ऐसे से लोग उसका एडवांटेज लेते हैं, बराबर. अदरवाइज कोई भी बंदा बैंक को मूर्ख नहीं बना सकता, बराबर है. पर खुद जो बैंक के हर पोस्ट वाले जो इंसान होते हैं, अभी हमारे को कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, रिकॉर्डिंग पे है इसलिए, ओके.
तो ये सारे जो लोग इन्वॉल्व होते हैं तब इस तरह का ये स्कैम हो सकता है। बराबर भाई, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सर वेदांत, ओके, सर भाई वॉइस जो क्लियर ना हो तो बोलना। ओके तो क्या कि नेट में कुछ प्रॉब्लम हो तो मेरे को पता चले। भाई वॉइस आ रहा है क्लियर? ओके अभी सब बराबर है ना? अभी सब बराबर है ना? सो ये थ्रू ए लोन। ओके तो बैंक क्या करेगा, जब कोई भी कस्टमर उसे लोन लेने आएगा तो उसको वो लोन देगा, तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसको वो लोन दिया जाएगा। ओके सो यहाँ पे द बैंक प्रोवाइड लोन फॉर आइदर ए लॉन्ग टर्म और ए शॉर्ट टर्म। तो बैंक आपको लोन देगा, वो लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म क्या होता है, पर्सनल लोन होता है, और हाउसिंग लोन, उसके बाद बिल्डिंग लोन, तो ये लॉन्ग टर्म होता है। ओके इन सम काइंड ऑफ लोन हाइपोथिकेशन इज नेसेसरी व्हाइल इन सम काइंड ऑफ लोन हाइपोथिकेशन इज नॉट नेसेसरी। ओके यानी जैसे आप कार ले रहे हो, ओके तो कार पे क्या होता है, हाइपोथिकेशन होता है, यानी आपका सपोज आपने पैसा नहीं दिया तो वो पूरा आपका जो कार है वो बैंक वाला उठा के लेके जाएगा, आपके घर पे आएगा और बोलेगा चाबी दो कार की, और वो चाबी लेके कार चालू करके वो लेके चला जाएगा। ओके दैट इज कॉल्ड हाइपोथिकेशन। बराबर, तो यहाँ पे दो तरह का होता है हाइपोथिकेशन, एक तो कार का भी हो सकता है और दूसरा आपके पास जो स्टॉक है ना बिजनेस में, आपके पास जो स्टॉक पड़ा है उस पर भी आप लोन ले सकते हो, और उस पर जो आपने पेमेंट नहीं दिया तो वो पूरा स्टॉक जो है वो उठा के बैंक लेके चला जाएगा। ओके और मार्केट में सोल्ड कर देगा। बराबर, दैट इज कॉल्ड हाइपोथिकेशन। ओके तो जब भी आप बाइक लोगे, आप कार लोगे लोन पे, तो उसमें आपकी जो आरसी बुक है उसमें लिखा होगा हाइपोथिकेशन। ओके और जब तक वो हाइपोथिकेशन एनओसी आपको बैंक को सिक्का नहीं करेगी वहां पे, तब तक तो आप वो कार या बाइक बेच सकते नहीं हो, क्योंकि आपका जो बाइक या कार है वो हाइपोथिकेशन पे है। ओके इसलिए आप उसको आप इजिली सोल्ड नहीं कर सकते। ओके तो उस पर सिक्का लगता है आरसी बुक पे हाइपोथिकेशन का, बैंक का। ओके सो हाइपोथिकेशन में जब भी आपका कार होगा या बाइक होगा तो आप उसको इजिली सोल्ड नहीं कर सकते। ओके तो आपको पहले कैंसिल करवाना होगा बैंक से, और कैंसिल कब करेगी बैंक, जब आपने फुल पेमेंट किया होगा तो ही बैंक वो कैंसिल करेगी। ओके अदरवाइज वो कैंसिल नहीं होगा। सच लोन आर प्रोवाइडेड टू आइदर बिजनेसमैन और एन इंडिविजुअल और इंडस्ट्रियलिस्ट अगेंस्ट विच द बैंक डिमांड फॉर गारंटी। बराबर, तो जब भी आपको बैंक लोन देती है तो उससे पहले वो गारंटी भी लेती है। ओके तो यहाँ पे देखा, सुना होगा आपने कि जब भी आप लोन लेने जाओगे तो उसमें बैंक गारंटर पूछता है, ओके कि आपके गारंटर्स कौन होंगे। ओके जैसे आप पेमेंट नहीं कर रहे हो तो आप तो प्रॉब्लम में आ सकते हो, पर आपका जो गारंटर है वो भी प्रॉब्लम आ जाएगा। ओके इसलिए यहाँ पे जब भी आप लोन लोगे तो उसमें आपको दो गारंटर्स देने होंगे, एक नहीं दो। ओके और उनकी भी इनकम अच्छी होनी चाहिए ऑन पेपर। ओके यानी वो सही में नॉट, जैसे कोई गवर्नमेंट सैलरी है तो उसका तो कोई डायरेक्ट बैंक में पैसा जमा होता है तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम छुपाने वाली बात है नहीं। ओके तो यहाँ पे आपको दो गारंटर देने होंगे, और गारंटर कौन से कैसे होंगे कि उनका खुद का मकान होना चाहिए, रेंट पे भी नहीं होना चाहिए, यानी जो आप गारंटर दे रहे हो उनका खुद का मकान होना चाहिए, तभी वो गारंटर लीगल गिना जाएगा। और गारंटर में आपके फादर मदर अलाउड नहीं है, बाहर का इंसान ही अलाउड है। ओके जहाँ पे आपका ब्लड रिलेशन हो वो गारंटर नहीं चल सकता। ओके तो आपको जो लोन लेना हो तो गारंटर जो दो दो चाहिए वो बाहर के होने चाहिए। बराबर है, तो आजकल तो गारंटी कौन देगा, आजकल तो कोई गारंटी देता नहीं है भाई, कभी भी इंसान कुछ भी उसके साथ कुछ भी हो सकता है। ओके तो सपोज वो पैसा नहीं भर रहा है तो बैंक तो आपको आके पकड़ेगा, भाई आपका जो आपने जिसके आपने गारंटी ली है वो पैसा नहीं दे रहा है, चलो आप दे दो अभी, तो उसको पैसा देना होगा। ओके तो वो गारंटी वो देगा नहीं। ओके तो यानी इसलिए बैंक क्या करती है, अपना जो बिजनेस है वो सेफली करती है। ओके तो सेफ कब होगा, जब बैंक के पास गारंटर्स होंगे। ओके तो बैंक को इतना पैसा देने में प्रॉब्लम होगा नहीं। ओके तो इसीलिए बैंक गारंटी लेती है ताकि उसका पैसा सेफ हो और उसको बैंक को फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। इसलिए बैंक आपको लोन देगी, कब देगी, आपसे पहले वो गारंटर लेगी। ओके बराबर,
उसके बाद क्या दिया हुआ है यहाँ पे, अगेंस्ट विच द बैंक डिमांड फॉर गारंटी इन द प्रेजेंट टाइम होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट लोन, मशीनरी लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन एक्सेट्रा आर अवेलेबल। ओके, तो बैंक में तरह तरह के लोन्स अवेलेबल है, आपको लोन कौन सा चाहिए उस पर डिपेंड है। ओके, उस पर आपको बैंक पैसा देगी। ओके, पहला जैसे होम लोन, ओके, तो आपको होम लेना है तो उस पर आपको लोन मिल जाएगा। उसके बाद कार लोन है, आपको कार लेनी है तो उस पर आपको लोन मिल जाएगा। एजुकेशन लोन है, आपके सन को आपको डॉक्टर को आपको बाहर भेजना है इंडिया के बाहर, ओके, तभी आपको एजुकेशन लोन मिल जाएगा। कैश ट्रेड, ओके, कैश ट्रेड का मतलब क्या है कि आपका जो स्टॉक है उसके बेस पे आपको कैश लोन मिल सकता है। ओके, बराबर, दैट इज कॉल्ड कैश क्रेडिट। ओके, उसके बाद मशीनरी लोन, आपको कोई बिजनेस में आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और आपको मशीन परचेस करना है तो आपको मशीनरी लोन भी मिल सकता है। गोल्ड लोन, गोल्ड लोन तो अभी मिलता नहीं है, बंद कर दिया बैंक ने। ओके, क्योंकि रेट उसकी जो बढ़ रहा है, इसलिए जब भी क्या होगा कि जो बैंक गोल्ड लोन देगा, यानी ये लोन कौन सा है कि गोल्ड परचेस के लिए नहीं, आपने गोल्ड मॉर्गेज करो और पैसा वहां से आपको मिल सकता है, बराबर। बट गोल्ड परचेस करने के लिए आपको लोन कभी भी नहीं मिलेगा, कोई भी शोरूम ऐसा नहीं होगा कि वहां पे लिखा होगा कि गोल्ड परचेस के लिए हम लोन दे रहे। ओके, तो ये आरबीआई के रूल्स के अगेंस्ट है। आपको कोई भी जगह से कार लेना है तो आपको लोन मिलेगा, पर गोल्ड लेने के लिए आपको कोई लोन मिलने वाला नहीं है। ओके, ये लोन कौन सा है कि आपका जो गोल्ड है आप बैंक में उसको मॉर्गेज करवा सकते हो, आपका जो गोल्ड है वो बैंक में उसको आप मॉर्गेज करा सकते हो और उस पर आपको पैसा मिल सकता है, क्योंकि बैंक तो सेफ हो जाएगा ना। बैंक ने क्या किया, आपसे आपका जो गोल्ड है वो मॉर्गेज करवा लिया, फिर बैंक तो सेफ हो गया। आप लोन नहीं भरोगे तो बैंक गोल्ड बेच देगा और अपना पैसा ले लेगा, ऊपर का पैसा जो रहता है तो आपको आपके अकाउंट में पैसा जमा कर देगा। ओके, तो बैंक तो सेफ हो गया ना, तो बैंक को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो गोल्ड लोन जो है वो सबसे इजी लोन होके आप किसी भी टाइम आपको गोल्ड लोन मिल सकता है। पर्सनल लोन जो होता है वो आपके क्रेडिट पे मिलता है, आपकी क्रेडिट अच्छी हो तो आपको पर्सनल लोन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ओके, एक्सेट्रा आर अवेलेबल। तो ये सारी जो सर्विसेज जो है वो बैंक देती है। ओके, सो नाउ उसके बाद जो है बाय ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट। ओके, अभी ओवरड्राफ्ट क्या होता है, व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट, आपने सुना होगा। क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, अंदर हाँ। तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या है कि फॉर एग्जांपल कि भाई आपके अकाउंट में क्या होता है कि जैसे आप बिजनेस कर रहे हो, ओके, तो बहुत सारे चेक आते हैं, बहुत सारे चेक जाते हैं, ओके, बराबर। तो कभी ऐसा हो सकता है कि आपका जो पैसा है, आपके पास पैसा है और वो मार्केट में आपका पैसा फंसा हुआ है, बराबर है, अभी आपके बैंक में पैसा नहीं है। ओके, तभी होता क्या है कि चेक्स आते चेक जाते, ओके, तो चेक आते तो प्रॉब्लम नहीं है, पर चेक जब जाते हैं ना तो बाउंस ही होना चाहिए। ओके, तो चेक बाउंस ना हो उसके अगेंस्ट में आप बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकते हो। एग्जाम्पल जैसे आपके आपको पता है कि ऑन एवरेज दिन के 3-4 लाख के चेक आते हैं, ओके, उनको पेमेंट करना होता है, तो इतना पेमेंट रहता है या उन्हें एवरेज 4-5 लाख का। ओके, तो बैंक को सॉरी कंपनी वाले जो कंपनी ओनर है उसको 5 लाख तो बैलेंस रखना ही पड़ेगा, क्योंकि दिन का 5 लाख तो चेक आते जाते रहते हैं, बराबर है। तो 5 लाख का तो पेमेंट रोज का होता ही है अकॉर्डिंग टू पास एक्सपीरियंस। ओके, बराबर, पैसा आता भी उतना ही है और जाता भी उतना ही। ओके, तो वो आपको ध्यान रखना है कि बैंक का जो बैलेंस है वो आपको मेंटेन रखना है, आपको चेक बाउंस नहीं होना चाहिए। चेक बाउंस हो गया तो आपकी रेपुटेशन आपकी जीरो हो जाएगी, दूसरी बार आपको कोई सप्लायर पेमेंट नहीं करेगा, सॉरी दूसरी बार आपको कोई सप्लायर क्रेडिट पे गुड्स नहीं भेजेगा। ओके, पहले चेक पास करो उसके बाद गुड्स मिलेगा। ओके, तो ये नहीं होना चाहिए। ओके, तो आपका जो चेक कभी बाउंस नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे,
पहले से ही बैंक में एफडी करवा लेंगे ओके 5 लाख की, तो 5 लाख तक जितने चेक है वो सारे पास हो जाएंगे। आपके पास जीरो बैलेंस है बैंक में, कितना है, जीरो बैलेंस है, और 5 लाख का आपका चेक आया है, सपोज 3 लाख का आया कि 2 लाख का आया, तो वो कभी बाउंस नहीं होगा। आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस है, आपका चेक आया 2 लाख का ओके, तो बाउंस नहीं होगा क्योंकि आपने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लिया हुआ है। तो ओवरड्राफ्ट होता क्या है कि आपको पहले से 5 लाख आपको एफडी करवानी है बैंक में, आपको पहले से ही 5 लाख की एफडी करवानी है ओके, तो वो एफडी के बेस पे आपका जो मैनेजर है वो चेक पास करवा देगा ओके, एफडी तोड़ देगा वो, बोलेगा कोई बात नहीं आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, आप 5 लाख तक आपके पास है, तो वो जो है एफडी पे उसको क्या करेगा, उस पर वो 2 लाख रुपए का जो चेक है वो दे देगा ओके। अभी 2 लाख जितने दिन आप यूज करोगे उसको ओके, उतने दिन का आपको इंटरेस्ट पे करना होगा, दैट इज अ कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट ओके। तो बैंक को फायदा है ना, बैंक को फायदा क्या है कि 2 लाख आपने पेमेंट नहीं किया ओके बराबर है, वो बैंक ने बिहाफ ऑफ यू बैंक ने पेमेंट कर दिया 2 लाख ओके, तो बैंक को तो क्या मिलेगा उस पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा ओके। तो जब तक आप 2 लाख पे नहीं करोगे बैंक को, तब तक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका पे करना है। आपने सपोज 15 दिन के बाद उसको पेमेंट कर दिया 2 लाख का, तो आपको 15 दिन का ही इंटरेस्ट पे करना है ओके। आपने 2 महीने के बाद दिया तो आपको 2 महीने का इंटरेस्ट पे करना है बराबर, दैट इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट बराबर है। पता चला भाई व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट? यस सर। ओके बराबर, तो जितना दिन आप बैंक का पैसा यूज करोगे उतने दिन का आपको इंटरेस्ट पे करना है, दैट इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट ओके। आपने 1 महीने के लिए ओवरड्राफ्ट लिया है तो आपको 1 महीने का इंटरेस्ट पे करना है, आपने 15 दिन का ओवरड्राफ्ट लिया है तो आपको 15 दिन का इंटरेस्ट पे करना है, दैट इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट ओके। उसके बाद जो है वो कैश क्रेडिट है ओके। नाउ द ड्यूरेशन ऑफ ओवरड्राफ्ट इज शॉर्ट, बट व्हेन द ड्यूरेशन इज डिटरमाइंड देन इट इज नोन एज कैश क्रेडिट ओके। ड्यूरेशन ऑफ ओवरड्राफ्ट इज शॉर्ट, बट व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ डिटरमाइंड देन इट इज नोन एज कैश क्रेडिट ओके। तो यहाँ पे आपको जो बैंक है वो कैश क्रेडिट भी दे सकता है, यानी आपके आपकी जो ट्रांजेक्शन है उसके बेस पे आपको कैश बैंक सामने से दे सकता है ओके। आपका ट्रांजेक्शन बहुत अच्छा है, आप पेमेंट टाइम पे करते हो तो बैंक आपको एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड कैश क्रेडिट ओके। यानी आपके क्रेडिट के रेट, क्रेडिट के बेस पे आपको वो कैश दे रहा है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ओके, और उसमें थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है तो आपको उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है, पर आपका काम निकलता है वो, दैट इज इम्पोर्टेंट ओके। आपका चेक, आपका जो चेक है वो बाउंस नहीं हो रहा है, आपका काम हो रहा है, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द बिजनेस ओके। तो ये बैंक भी आपको फैसिलिटी देता है ओके बराबर है। तो ये हुआ आपका सेकेंड पॉइंट, दैट इज अ बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट ओके। तो आज बेटा इतना रखते हैं ओके बराबर है। तो इन्वेस्ट वाला जो है वो पॉइंट वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ऑन ट्यूजडे, ऑन मंडे वी स्टार्ट न्यू चैप्टर ओके। अपना ये जो स्टेट्स में खत्म हो गया कि बाकी अपना ओके ओके ओके, एक पेज जितना बाकी है ना, एक दो पेज जितना बाकी कुछ है ना, ओके ओके ओके। वो सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी सोर्सेज ना वो बराबर है हाँ, बस तो वो कल खत्म कर देंगे। तो अभी स्टेट्स में स्टेट्स कंटिन्यू करेंगे, अकाउंट करेंगे बोलो अभी ओके ओके, तो अकाउंट्स करेंगे ओके, क्योंकि स्टेट्स में वैसे भी थर्ड अपना चैप्टर खत्म हो गया और वन भी खत्म हो गया, दो चैप्टर खत्म हो गए हाँ, तो अकाउंट्स करेंगे हाँ। नहीं अकाउंट इम्पोर्टेंट है बेटा, स्टेट्स तो क्या है कि आप कोई भी किसी भी टाइम करोगे तो आ जाएगा ओके, पर अकाउंट नहीं आएगा क्योंकि अभी जो अकाउंट स्टार्ट होगा वो इम्पोर्टेंट है आपका, और उसकी जो एंट्रीज है वो इम्पोर्टेंट है ओके, वो आपको आनी चाहिए बराबर। तो एंट्रीज का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर कुछ 3 और 4 है ओके, कम से कम उसमें 1 महीना लगेगा अपने को ओके, 1 महीने में पूरा होगा, क्योंकि लंबा चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आपको एंट्री आएगी तब आपको अकाउंट आएगा, एंट्री नहीं आएगी तो अकाउंट आएगा ही नहीं आपको बराबर है। तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो बराबर। सो आज इतना रखते हैं ओके बराबर।